देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी राष्ट्र, कोई भी संबंध तब तक नहीं चल सकता जब तक कि हम उससे लेने और देने दोनों का भाव ना रखें। अगर हम केवल लेने का भाव रखेंगे तो वो संबंध, वो संस्था, वो राष्ट्र नहीं चले। संविधान में इसीलिए दोनों के प्रावधान हैं। मूल कर्तव्य आपके संविधान में लिखे हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें जो लेना है दूसरे से उसके प्रति हम बहुत सजग हैं, लेकिन जो देना है उसके प्रति सजग नहीं। और जब तक उसके प्रति सजग नहीं रहेंगे तब तक समाज और राष्ट्र सही दिशा में प्रगति नहीं करेगा। एक चीज जान लीजिए आप, अन्य जीवों से मानव अलग है। कैसे? जैसे ही अन्य जीव पैदा होते हैं वो अपना जीवन पा लेते, मानव पैदा होते ही जीवन नहीं पाता। कब जीवन पाता है? जब वो अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। आपने किसी को ये कहते नहीं सुना होता है, सुना होगा कि वो कम कुत्ता, कुत्ता सब कुत्ते हैं, डाग सब डाग हैं। इंसान को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, कुत्ते को ही कुत्ता कह रहा हूं। पक्षी को किसी ने नहीं सुना होगा कि कम पक्षी है, पक्षी मतलब पक्षी। लेकिन मानव के साथ ऐसा, मैंने कल आपको कल भी बताया, मानव मनुष्यत्व को तब प्राप्त करेगा जब वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नहीं तो मानव पैदा भले हुआ लेकिन वो राक्षस भी कहला सकता है, रावण कहलाता था ज्ञान के बाद भी। मतलब आप पैदा होते ही मानव नहीं बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब मानव के कृत्यों का, मानव के कर्तव्यों का, मानव के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और अगर आप जरूरत से ज्यादा निर्वहन करने लगे तो आप मानव भर नहीं रह जाएंगे, आप महामानव हो जाएंगे। और अगर आप में उसकी पराकाष्ठा पहुंच जाएगी तो वही मानव ईश्वर के रूप में पूजा भी जाएगा। तो हमारे आपके लिए जो कर्तव्य नहीं राक्षस कहलाएगा, और जो सकारात्मक कर्तव्य करेगा वो मानव के रूप में भलो भले पैदा हुआ पर वो ईश्वर भी बन सकता है। जैसे ही जानने लायक होता है पिता से कहने लगता है कि इस संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, दो बच्चे हैं तो आधा मेरा है आधा दूसरे का है। और कई तो दूसरे का भी छीनने का प्रयास करने लगते हैं, अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक। वो पुत्र भी अपने पिता से संपत्ति में हिस्सा मांगता है, जो बीमार होने पर पिता को एक गिलास पानी नहीं देता, जो बीमार होने पर माँ को एक टेबलेट नहीं उपलब्ध कराता, वो बच्चा भी अपने घर में हिस्सा मांगता है। आपका उस घर में हिस्सा भर नहीं है, उस घर को चलाने के लिए आपके कर्तव्य भी निर्धारित है। माता पिता ने अपनी क्षमता अनुसार जितने दिन चला सके चलाए, जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है उन्होंने। कोई परिवार तब चलेगा जब हर आने वाली पीढ़ी अपने दायित्वों का भी निर्वहन उतनी ही शिद्दत से करेगी जितनी शिद्दत से वो अपने अधिकार मांगती है। राष्ट्र भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई समस्या इस राष्ट्र में आती है तो हम आप सब लोग शासकों को गाली देकर, जिम्मेदार को गाली देकर, इस कॉलेज में अगर कोई व्यवस्था खराब है तो आप इस कॉलेज को कोस भर के अपने दायित्वों से फुर्सत नहीं हो जाएंगे। ये कॉलेज जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। इस कॉलेज से यदि आप शिक्षा पाने के अधिकारी हैं तो इस कॉलेज को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आपसे कर्तव्य करने की भी अपेक्षा है। तभी इस कॉलेज को वो मुकाम मिलेगा जो इसका जिसलिए ये खोला गया है। राष्ट्र में भी यदि केवल शासक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा। इतनी बड़ी आबादी का देश है, इतनी बड़ी आबादी में अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और इस राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण डॉक्टर है
उतना ही महत्वपूर्ण सुबह साफ करने वाला हमारा वो भाई भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सफाई नहीं करेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हम बीमार पड़ जाएंगे और राष्ट्र की अधिकांश जनता बीमार पड़ जाएगी तो फिर हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर कैसे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबकी अपनी अपनी जगह महत्ता है, इसलिए इस अभिमान में भी नहीं रहना है कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है। और इस अभिमान में तो कभी रहिएगा ही नहीं कि आप परिवार के लिए या समाज के लिए या राष्ट्र के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप भी सबके बराबर ही हैं, इस अभिमान में कभी मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी यह राष्ट्र चल रहा था, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी यह राष्ट्र चलेगा। हम आप इस राष्ट्र के जीवन काल में ना जाने पॉइंट पॉइंट करके, जीरो जीरो करके कितने परसेंट में योगदान कर पाएंगे। इसलिए बहुत अभिमान में जीवन नहीं जीना है, सामान्य जिंदगी जीना है। आप तो अपने पार्ट को अदा करना भर सीखिए बिना अभिमान को बनाए हुए। दूसरी बात, इस जीवन में जो पैदा हुआ है उसको सबको मरना है। अगर ईश्वर ने मानव रूप में अवतार लिया है तो उनका भी अंत आया है। मरूंगा मैं भी, मरेंगे आप लोग भी सब, यही प्रकृति की नियति है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो बिना कर्म किए मरेगा, भूखों मरेगा, आलोचना का पात्र बन के बनेगा, घर वाले भी उसको ढाल समझेंगे अगर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, उसका बेटा भी उसे कोसेगा, उसका पिता भी उसको कोसता रहा होगा। और एक वो है जिसके दायित्वों के निर्वहन ने उसे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि जिस दिन उसके प्राणांत होगा उस दिन ना केवल उसका परिवार रोएगा बल्कि पूरा यह राष्ट्र रोएगा। और ये फर्क केवल और केवल आपके कर्म ही ला सकते हैं। इस अंतर को केवल और केवल आपके कर्म ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। किसी की सूरत नहीं देखी जाती, सूरत एक सीमा तक ही आपको महत्व देगी, इसके बाद आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। इसलिए और राष्ट्रभक्ति का मायने ये नहीं है कि जो सीमा में खड़ा है केवल वही राष्ट्रभक्ति कर रहा है। कि राष्ट्र की सीमा में खड़ा हुआ व्यक्ति फिर राष्ट्र की रक्षा नहीं कर रहा है, राष्ट्रभक्ति नहीं कर रहा है। उस जो सीमा में खड़ा हुआ जवान है उसके लिए जो भरपेट भोजन पैदा कर रहा है किसान, वो भी राष्ट्रभक्ति ही कर रहा है। उस सीमा में खड़े हुए जवान के लिए जो यंत्र बना रहा है, जो कपड़े बुन रहा है, जो उसकी सुरक्षा के लिए सारे उपकरण तैयार कर रहा है, वो भी राष्ट्रभक्ति ही कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने चंद्रयान को वहां पहुंचाया, चंद्रमा में पहुंचाया और राष्ट्र को गर्व करने का एक अवसर दिया, वो भी राष्ट्रभक्ति ही कर रहा है। मैं यदि आपको शिक्षित करने का काम कर पा रहा हूं तो ये भी राष्ट्रभक्ति है। और यदि आप पढ़े लिख के अपने परिवार और समाज के जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे तो यह भी राष्ट्रभक्ति है। मतलब राष्ट्रभक्ति का मायने है अपने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करना। जिस पड़ाव में, जिंदगी के जिस समय में आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व को पूरी शिद्दत से निभाइए, उस दायित्व को पूरी शिद्दत से आप अंजाम दीजिए, वही राष्ट्रभक्ति है, वही परिवार की भक्ति है और वही समाज की भी भक्ति है। सब आपसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। आप यहां आज स्टूडेंट हैं, आपके माँ बाप भी तब खुश होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, आपका पड़ोसी भी तब खुश होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, मैं भी आपसे यही अपेक्षा कर रहा हूं, ये समाज और राष्ट्र भी आपसे यही अपेक्षा कर रहा है। इसलिए जिस दायित्व के लिए आप आए हैं वही करिएगा। यहां फालतू के झगड़ों में पड़ के, फालतू की प्रतिक्रियाओं में पड़ के अपने समय को बर्बाद मत करिएगा।
ये कर्तव्य ही आपको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्र की भी आपसे यही अपेक्षा है। राष्ट्र कह रहा है आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करिए, ये आपका मूल कर्तव्य है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप साइंटिफिक अप्रोच बना लेंगे तो ना केवल राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति होगी, बल्कि राष्ट्र जो संकीर्णताओं में फंसकर विवाद पैदा करते हैं जो लोग, उनसे भी वो ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी समस्या के होने के पीछे जाति को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, वो उस होने की घटना के कारणों को जानेगा। वो किसी की उकसाई में सांप्रदायिक दंगे में नहीं फंसेगा, वो किसी के उकसाने पर राष्ट्र की औनत के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए आपको जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उस अवसर का फायदा उठाइए। राष्ट्र को और इस समाज को, और देखिए हमारे आपके सबके हित कलेक्टिव है। आपकी प्रगति से परिवार की प्रगति जुड़ी है, परिवार की प्रगति से समाज की प्रगति जुड़ी है, और समाज की प्रगति से राष्ट्र की प्रगति जुड़ी है। इसका मतलब आपका एक सही काम इन साफ सबको खुश करने के लिए पर्याप्त है, तो फिर गलत क्यों करना? राष्ट्र जिनके पास है और समर्थ राष्ट्र जिनके पास है, और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आपके सबके पास समर्थ राष्ट्र है, उसकी महत्ता का अंदाजा आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानव का स्वभाव है कि उसे जो चीज मिल जाती है फ्री में, उसकी वो वैल्यू नहीं करता, उसकी वो कीमत नहीं करता। राष्ट्र की कीमत यदि जानना है तो अफगानिस्तान में जो लोग अभी रहते थे उनसे पूछिएगा। राष्ट्र की कीमत यदि जानना है तो यूक्रेन में रह रहे लोगों से पूछिएगा। राष्ट्र की कीमत यदि जानना है तो रोहिंग्या मुस्लिमों से पूछिएगा। नाम सुना है रोहिंग्या मुस्लिमों का? रोहिंग्या मुस्लिमों को कोई भी राष्ट्र अपना नागरिक नहीं मानता। परिणाम यह है कि इतनी बड़ी धरती में उनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र उनको अपना नागरिक नहीं मान रहा है। इसलिए वो जिस भी राष्ट्र में जाते हैं उस राष्ट्र के अवैध अप्रवासी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीगली वो कहीं के नागरिक ही नहीं बचे हैं। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आपके साथ ऐसा नहीं है, और बदले में हमें राष्ट्र को बहुत कुछ नहीं देना, केवल अपनी प्रगति के लिए काम करना है और अपने को बुराइयों से बचाए रखना है, अपने को उन बुराइयों से बचाए रखना है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन किए, नशेखोरी से बचे रहे, फालतू के विवादों से बचे रहे, परिवार को समस्या में नहीं डाल रहे, आप यही राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं और आप अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन भी करते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि संविधान ने यदि मांगा है तब तो देना ही है, यदि नहीं मांगा है तो भी जिसने हमें इस लायक बनाया, जिस राष्ट्र ने, जिस समाज ने, जिस परिवार ने, कि हम आज उनकी मदद करने लायक हैं, तो हमारे सब, हमारे अंदर मदद का वो भाव जिंदा रहे और हम हमेशा उस राष्ट्र को, उस परिवार को, उस समाज को, उस टीचर को, उस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना करने का भाव अपने अंदर रखें। और यदि आप ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे और उस पर अमल करेंगे तो वो कोई ताकत नहीं है जो इस राष्ट्र को एक नया भारत बनने से रोक सके, इस राष्ट्र को एक नई ऊंचाई देने से रोक सके। धन्यवाद। Please be seated. Now, your respective teachers will be